तो ये जो कोरोना वायरस फैला हुआ है इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी है, थोड़ी जानकारी है जैसे कोई आए काम कराने के लिए बोलते हैं। हाँ बिल्कुल। तो एक तो हिंदी आती है आपको, पढ़ना आता है हिंदी? खुद नहीं आता। तो ये पेपर लीजिए, इसको पढ़िए आप, ठीक है। और आप लोग, आपको मालूम है कोरोना वायरस के बारे में? देखिए ये जो है ज़्यादातर छूने से करते हैं। अगर आपको खांसी आ रही है तो खांसना कैसे है, हमें रुमाल है हाथ में, रुमाल लेके छींकना और खांसना है। अगर कुछ भी जेब में नहीं है तो ठीक है ये करना है, किसी से हाथ नहीं मिलाना है, हाथ हमेशा साबुन से धोना है, ठीक है ये करना है। और इसको खुद भी जागरूक होना है और औरों को भी जागरूक करना है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से पढ़ें समझें और लोगों को, जैसे आप कम से कम नहीं तो सैनिटाइजर नहीं ला सकते तो एक साबुन ला के रखिए और पानी रखिए, जब भी जोर तो महसूस हो तो खुद भी हाथ धोइए और दूसरे के भी हाथ हैंड वॉश करा सकते हैं। आप भी ऐसे ही करिए, अपने ऑटो के अंदर एक साबुन रखिए, ठीक है, जिसको आप जब भी आपको लगे कि भाई हाथ धोने की जरूरत है तो आप हाथ धो सकें, ठीक है ना, ये आपने करना है। और इसको पढ़ के आप अच्छी तरह से दूसरे लोगों को भी समझाएंगे, इसकी फ़ोटो क्लिक करेंगे और व्हाट्सएप यूज करते हैं हम लोग तो व्हाट्सएप पे भेजेंगे, ठीक है। हो गया और ये बताइए कि आपको कितनी जानकारी, अगर थोड़ी सी भी जानकारी है तो आधी अधूरी जानकारी हमेशा नुकसान करती है, ठीक है। सरकार ने ये चकवा के भिजवाए हैं आपके लिए, इसके अंदर सारा कुछ दे रखा है, इसके लक्षण दे रखे हैं, ठीक, कैसे फैलता है, बचाव के क्या तरीके हैं, ये सारा कुछ। अब आपने क्या करना, एक तो छींक के टाइम जैसा भाई साहब ने बताया था बिल्कुल ठीक मिला, ठीक भाई ऐसे करके खांसना है, अगर रुमाल नहीं है तो ठीक छींकना है तो भी इसका इस्तेमाल करना है। दूसरा साबुन से हमेशा हाथ धोना, ठीक है। अगर कोई भी आदमी इन्फेक्टेड है यानी कि किसी को हल्का सा बुखार है या छींक है तो उससे उचित दूरी बना के रखें, एक मीटर की दूरी बना के, ठीक है। दूसरा कोशिश करें कि उसको डॉक्टर के पास लेकर जाएं उसका चेकअप कराने के, ठीक है। और सबसे अच्छा काम क्या कर सकते हैं आप, इसे पढ़ें और साथियों को भी जागरूक करें, ठीक है। और इसकी एक फ़ोटो खींच लें और व्हाट्सएप करें सभी को कि भाई ये बचाव के तरीके से क्या करेंगे आप घर बैठे ही, कम से कम जितने भी आपके रिलेटिव हैं उनको जानकारी दे सकते, ठीक है। तो अब ये कोशिश रहे आपकी कि जितने भी आपके साथी हैं इनको सबों को आप जो है ये दीजिए और समझें। और ऐसा ना हो कि सरकार बड़ी मेहनत से और बड़ी ईमानदारी से इसको चुका सिर्फ आपके लिए, तो इसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना हो कि इसको होल्ड करें और डस्टबिन में, ठीक है, इसको संभाल करके, ठीक है।